And let's just focus now. 3 days ago, Hiramani Tiwari was manhandled, assaulted and tonsured by Shiv Senics for making derogatory comment against Chief Minister Uddhav Thackeray. The BJP met Maharashtra governor over the assault. In fact, Tiwari is also going to be joining us live to, in fact, talk to us about what exactly happened, transpired that particular day. But let's first play out that sequence wherein this man 3 days ago was assaulted only because he wrote or rather criticized the Chief Minister Uddhav Thackeray. Well, that's how the Shiv Senics really take criticism. We also have Hiramani Tiwari joining us live on the broadcast. Appreciate you joining us. Hiramani, बहुत दर्दनाक है, बहुत unfortunate है जो हुआ तीन दिन पहले. हमने वो सीक्वेंस देखा, अभी व्यूअर्स को दिखाया. शिव सैनिक्स आपको कैसे घेर कर, कॉर्नर करके अटैक कर रहे हैं, आपका सर शेव कर रहे हैं फॉर अ फेसबुक पोस्ट, क्योंकि आपने उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ फेसबुक पोस्ट पर लिखा. पहले तो हमें बताइए कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या, आपको कैसे कॉर्नर किया गया शिव सैनिक्स के द्वारा. सबसे पहली बात मैम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैं भी एक महामुंबईकर हूँ, मैं समझता हूँ मैं भी यहाँ का एक नागरिक हूँ और मेरा भी अधिकार है आवाज़ रखने का. और मामला शुरू होता है 17 दिसंबर को उद्धव साहब ने, जो है माननीय मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जिन्होंने पहले NRC के मुद्दे पर जो है लोकसभा में साथ दिया था और बाद में किसी कारण से, उनका राजनीतिक मुद्दा है फिलहाल, वो अपना चाहें सिद्धांत विहीन हो चुके हैं फिलहाल, उनकी बात अलग है, उनका सिद्धांत है या नहीं भगवान जाने, कि जिसका उन्होंने समर्थन किया बाद में उसका विरोध करना करने लगे. वो उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया की हिंसा जलियावाला को देखकर जलियावाला बाग की याद आती है. मैं पूछता हूँ क्या उनको पता है, पता भी है कि जलियावाला बाग में हुआ क्या था? जलियावाला बाग में लाखों देशभक्तों को मारा गया था. क्या जामिया मिलिया में देशभक्त रहते थे? ये वही देशभक्त हैं जिन्होंने CA जो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है ही नहीं, वो सिर्फ शरणार्थियों के लिए, जिनके ऊपर हजारों सालों से जो है उनका यौन शोषण होता रहा है, बलात्कार होते रहे हैं, उन पर अत्याचार होता रहा है, उनके लिए ये लाया गया था ताकि उनको नागरिकता मिल सके, कहीं उनको शरण मिल सके, कोई उनको शरण दे सके इस देश में. तो ये वो मुद्दा था. तो ऐसी पार्टी जो समर्थन करती है NRC का, फिर कहती है कि विरोध करती है, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई उस चीज़ को लेकर, क्योंकि माननीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे, जो मेरे भी आदर्श रहे थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ,
ऐसे ऐसे लोग उन पे कमेंट ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक कमेंट करते हैं कि जामिया मिलिया के ऊपर क्या अधिकार होता है। तो एक हिंदू या एक जागरूक नागरिक इस देश का आहत होता है यहाँ पे कि क्योंकि मैं किसी पार्टी से बंधा नहीं हूँ, मुझे किसी की चाटुकारिता करनी नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बात रखी कि जो है। और मैंने उस जो कमेंट मैंने कहीं नहीं लिखा है कि उद्धव ठाकरे, मैंने उसमें लिखा है उद्धव टकले, जो एक सांकेतिक शब्द है मात्र, और उसमें मैंने कोई गाली गलौज शब्द नहीं यूज़ किया है। और उनसे मैंने लिखा कि उनसे ये उम्मीद नहीं थी, और जो है उन्होंने ये कहा है जो कि आपत्तिजनक था। तो मैंने अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखी, जो कि एक भारतीय का अधिकार है, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री को पता नहीं कितनी गालियां दी जाती हैं और बड़े बड़े राजनीतिक लोग देते हैं, और तब उनको जो है सभ्यता भूल जाती है। हीरामानी जी, तो मेरा कि आपको घेर कर आपको डरा धमकाने के बाद नारेबाजी चल रही थी, मतलब दे वर टेकिंग प्राइड इन द फैक्ट कि उन्होंने ऐसा किया। पॉइंट पे राइट सो आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। सो उसमें क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर मुझे कुछ दो तीन लोगों ने पोस्ट किया, शिवसेना के लोगों ने, कि भाई ये तुमने गलत डाला है। मैंने बोला, वो जान पहचान के लोग थे, मैंने बोला ठीक है भाई सॉरी, मैं उस चीज़ को डिलीट मार, मैंने डिलीट कर दिया उस चीज़ को। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगा किसी की भावना आहत हो रही है, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद मैंने उसको डिलीट किया शनिवार के दिन, और रविवार के दिन 12:30 बजे दोपहर में कुछ लोग आते हैं जो मेरे घर में घुस जाते हैं, दो तीन लोग घुसने के बाद मुझे घसीटते हुए लेके आते हैं, बोलते हैं कि तूने वाला साहब ठगरे सॉरी मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा लिखा है। और उसके बाद मुझे लेके नीचे आते हैं मेरे घर के नीचे, करीब वहाँ पे 20 से 25 लोग होते हैं। अब सोचिए मैम, एक 20-25 लोगों के सामने एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। और उसके बाद वो फिर लेके जाते हैं मुझे मैदान में, खुलेआम पब्लिक के सामने सारी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है। उसके बाद वो मुझे वहां पे थप्पड़ मारना शुरू करते हैं। मैंने बोला भाई समाधान तुम तो पहचान लियो यार, तो क्या बोलते हैं हीरामणि जी, वो हमने देखा, बट मुझे आपसे ये भी जानना है उसके बाद क्या हुआ। आपके पास पुलिस आई, आपको कांटेक्ट किया, कहीं कुछ केस रजिस्टर किया, कुछ पुलिस ने एक्शन लिया अभी तक? जी, जैसे घटना हो रही थी, जहां तक मुझे मेरा मानना है कि वो ठीक 2 मिनट के बाद पुलिस का आने का मतलब ये है कि ये घटना सुनियोजित थी, ये प्लान था, पूरी तरह से प्लान था। उसके बाद मुझे बिठाया जाता है पुलिस गाड़ी में, और उनको बड़े आदरपूर्वक साहेब, प्रकाश साहेब, समाधान साहेब, साहेब साहेब करते हुए लेके जाया जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद मैं समझता था मैं अकेला हूँ यहाँ पे, मेरे पिताजी अकेले हैं और हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, मैं हेल्पलेस था, मेरे कोई पार्टी का बैकग्राउंड फिलहाल अभी नहीं था। तो मैं सोच रहा था भाई, जैसे बाकी उत्तर भारतीय माँ खाते हैं, मुझे भी इसे सहना पड़ेगा और मेरी मजबूरी है। और उसको मैंने समझते हुए मुझे ले जाया गया पुलिस स्टेशन। वहाँ पर जो है पहले स्टेटमेंट बनाई गई, जिस स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो उसमें एक्चुअल स्टोरी थी, उसके बाद दूसरी रिपोर्ट थोड़ी देर बाद बनाई जाती है, उस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि 149 का नोटिस होता है वो, जिसमें लिखा होता है कि हम दोनों ने समझौता कर लिया। अब मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे वहाँ साइन करना था, साइन मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे मैं मजबूर हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद जो होता है, फिर मैं वो अपनी मजबूरी समझते हुए मैंने चुपचाप सही समझा, चुप रहना ही सही समझा, मैं चुपचाप घर चले आया। और उसके बाद क्या होता है कि रात को 1 बजे मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया में समाधान जुगदर ने 48 लोगों को टैग किया है, उस वीडियो को वायरल कर दिया। मैं कहता हूँ अगर मैं गलत था तो तुमने ये नामर्दानगी वाला वीडियो जो आपने लाइव किया है, क्या ये आपकी बुद्धिमानी थी, क्या ये आपकी जिम्मेदारी थी, इससे क्या आप ये मैसेज देना चाहते हो? शिवसेना की सरकार है, शिवसेना को यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इट्स एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल हीरामणि जी, आप क्रिटिसाइज करें किसी को, आपका पर्सनल ओपिनियन है, उससे कोई अग्री करे ना करे, बट दिस इज नो वे टू डील विद क्रिटिसिज्म, दिस इज नो वे टू रिस्पॉन्ड टू समवन क्रिटिसाइजिंग द हेड ऑफ शिवसेना, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। थैंक यू हीरामणि फॉर स्पीकिंग टू अस एंड टेलिंग अस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड।